आज हम मीना का परिवार पार्ट की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि पहला भाग जो है उसमें दिया हुआ है बातचीत के लिए कुछ प्रश्न, ठीक है। तो इसमें हमें चार प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है। चलिए फिर देखते हैं इन चारों प्रश्नों को एक एक करके। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है। तो हमने जैसा कि पाठ में देखा था, एक बार और देख लेते हैं। मीना का परिवार पाठ में हमने देखा था कि मीना के परिवार में सात लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। तो ये सात लोग हैं मीना के परिवार में। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो इस कहानी में कौन कौन है, तो इस कहानी में मीना का परिवार है, जिसमें मीना के साथ मीना के दादा, दादी, माता, पिता, चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर है। तो यह हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम बातचीत के लिए में दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, मीना के भाई का नाम क्या है। तो फिर से एक बार पाठ में देखते हैं। मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर, और दिवाकर 3 साल का है। तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया, मीना के भाई का नाम दिवाकर है। हमने 2 प्रश्न देख लिए, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाठ में देखते हैं, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भाग कर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और वह जोर जोर से हंसता है। तो ये हमने पाठ में देखा था कि दिवाकर कहाँ छिप जाता है, किवाड़ के पीछे। तो वैसे ही और भी जगह होती है हमारे घर में जहाँ हम छुप सकते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। हम अपने घर में किवाड़ के पीछे, किवाड़ यानी कि दरवाजे के पीछे, बगीचे में, छत पर, मेज के नीचे छिप सकते हैं। तो ये कुछ जगह मैंने आपको बताई है, ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब बातचीत के लिए मैं अगला प्रश्न जो है हमारा, वह है 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। यह लाइन हमने देखा था कि पाठ में है। अब इसमें कहा गया है कि चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे गाएंगे। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार, ऐसे हमने गाया था चाचा जी के लिए। तो अब दादाजी के लिए कैसे गाएंगे, 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। वैसे ही नाना जी के लिए, 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। और नानी जी के लिए भी, 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। तो ये हो गए हमारे 3 उदाहरण जो हमें प्रश्न में पूछा गया है। ऐसे ही करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने परिवार के अन्य सदस्यों में से किसी के भी बारे में ये पंक्ति को और लिख कर बताइएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बातचीत के लिए में 4 प्रश्न थे, हमने 4 प्रश्न देख लिए हैं। अब है शब्दों का खेल। इसमें भी हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। ध्वनि मतलब बोलने पर कौन सी आवाज आपको आती है वह बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो हमें 3 शब्द दिए गए हैं, दिवाकर, दादाजी और दादी जी, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम पहली ध्वनि देखेंगे तो दिवाकर में पहली ध्वनि है हमारी दी, दी, छोटी ई की मात्रा लगी है, दी। और अक्षर कौन सा इसमें है, द। ऐसे ही दूसरा शब्द जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है वह है दादाजी। दादाजी में पहला जो अक्षर है वह है दा। तो कौन सी ध्वनि आ रही है, दा, द में आ की मात्रा, दा, ठीक है। और इसमें भी जो हम अक्षर का ज्ञान कर पा रहे हैं वह है द। अब अगला शब्द जो हमें दिया हुआ है वह है दादी जी। दादी जी में पहली ध्वनि जो है वह है दा, द में आ की मात्रा, दा। और अक्षर जो है वह द, तो द से दिवाकर,
द से दादाजी और द से दादी जी। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया जिसमें हमें ध्वनि बतानी थी। तो हमने तीन ध्वनियां देखी, दी, दा, दा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न देख लिया। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। जैसे अभी हमने तीन शब्द देखे, दादाजी, दादी जी, दिवाकर, वैसे ही कुछ और शब्द बताने हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको भी कुछ उदाहरण मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो पहला है दशरथ, जैसे दिवाकर नाम है, दशरथ भी किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा है दवात। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दवात की पिक्चर। दवात जो होता है वो स्याही होती है जिससे कि यूज करके हम पेपर पर लिखते हैं। तो दवात द से दूसरा शब्द हो गया। और वैसे ही तीसरा शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ द से, वह है दवाई। ठीक है, द से दवाई। इन तीनों में जो पहली ध्वनि है वह है द, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यह हो गया हमारे शब्दों के खेल का दूसरा प्रश्न। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें नीचे दो शब्द दिए हुए हैं, दादा और दादी। इन दोनों शब्दों को हमें लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो छोटी छोटी बिंदियां दी हुई हैं, इसके ऊपर अपनी पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए लिखने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं, आपको इस पर ऐसे ही लिखने का प्रयास करना है। तो दादा और दादी आप लिखेंगे, आपको यह बार बार लिखना है अपनी नोटबुक। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इस कहानी में, जो मीना का परिवार कहानी है, इसमें दादा और दादी शब्दों को हमें पहचानना है और उन पर घेरा लगाना है कि दादा और दादी शब्द कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहानी को एक बार। तो यह हमारी कहानी है मीना का परिवार। जहां जहां दादा और दादी शब्द है, तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, हम दादा और दादी शब्द पर घेरा लगाएंगे। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं, उसके दादा, दादी, तो यहाँ पर हमें मेरे दो शब्द दादा और दादी, उनको हमने घेरा लगा दिया। आप भी अपनी किताब में ऐसा कर सकते हैं पेंसिल का इस्तेमाल करके। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं, उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। तो यहाँ पर दादा दादी शब्द यहाँ पर देखने को मिले हैं, मैंने घेरा लगा दिया। अगला भाग है इस पाठ का, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। तो यहाँ पर हमें दादा और दादी शब्द कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। अगला भाग देखते हैं पाठ का, मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1, 2, 3, 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कहीं भी दादा और दादी शब्द देखने को नहीं मिला। अगला भाग देखते हैं पाठ का, मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दादी यहाँ एक बार मिला, तो हमने उसे घेरा किया, और वैसे ही दादाजी शब्द भी हमें देखने को एक बार मिला, तो हमने उसको भी घेरा कर दिया। ठीक है, अब हम पाठ का अंतिम भाग देखते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है, सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो ये पाठ में और इस जगह पर हमें कहीं भी दादा दादी शब्द देखने को नहीं मिला है। तो पूरे पाठ में हमें दादा और दादी शब्द 4 बार देखने को मिला और हमने उसे घेरा लगा दिया। तो ऐसे करके हमने अपना यह प्रश्न भी पूरा कर लिया। अब तो 5वां प्रश्न है, ये कहानी मीना के परिवार के बारे में है, नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से मीना शब्द लिखते हैं, ये आपको डॉटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर आपको पेंसिल चलानी है। ठीक है, ध्यान देकर, सफाई से, धीरे धीरे, मन लगाकर इसको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मीना को लिखने का तरीका, इस तरीके से आप डॉट्स के ऊपर पेंसिल को चलाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए तो इन शब्दों को एक एक करके पढ़ते हैं। न, न में आ की मात्रा ना, और ना और ना क्या बन जाएगा, ना ना। वैसे ही न, न में आ की मात्रा ना,
फिर न, न में इ की मात्रा नी, नानी। फिर म, म में अ की मात्रा मा। फिर म, म में आ की मात्रा मा, मामा। फिर म, म में आ की मात्रा मा। फिर म, म में इ की मात्रा मी, मामी। फिर द, द में आ की मात्रा दा। फिर द, द में आ की मात्रा दा, दादा। फिर द, द में आ की मात्रा दा। और द, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। फिर है द, द में बड़ी की मात्रा दी। और द, द में बड़ी की मात्रा दी, दीदी। फिर है मा। तो ये कुछ शब्द थे, नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और मा। इनको आप धीरे धीरे बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप सबको पता है इस डॉटेड वर्ड्स के ऊपर आपको पेंसिल चलानी है। इसके साथ हमने छठा प्रश्न भी कर लिया है। अब सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताने हैं और पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके इन तीनों चित्रों को हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है नीम। नीम का पेड़ हम सबने देखा है, तो ये नीम की पत्तियां हैं। तो ये क्या है, नीम। न में बड़ी ई की मात्रा नी, म, नीम। और अगला चित्र है नदी। मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोगों में से कितने लोगों ने नदी देखी है, ठीक है। तो न और द, द में बड़ी की मात्रा दी, नदी। अब तीसरा शब्द जो है वह द, द में आ की मात्रा दा। न, न में ए की मात्रा ने, दाने। दाने जैसे कि मटर के दाने हम सबने देखे हैं। इस तरीके से इस प्रश्न में दिए हुए तीनों चित्रों को हमने देखा, नीम, नदी, दाने। इन शब्दों को आपको बार बार पढ़ने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से इस पाठ की अभ्यास को हमने पूरा कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है और आप उन डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगी। Thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.